हे गाइस वेलकम बैक टू द चटपट टॉय टीवी। मेरा नाम है रहा। आज की वीडियो में देखो दो काफी ज्यादा भयंकर बाइक्स की फाइट होने वाली है। अपनी सबसे पहली वाली बाइक है रोवर ट्रॉन बाइक, दूसरी वाली मेरी सबसे ज्यादा फेवरेट हायाबुसा हैंडल वाली बाइक। चलो दोस्तों फटाफट से दोनों को करते हैं अनबॉक्स और कराते हैं दोनों के बीच में फाइट, देखते हैं ये बाइक जीत पाती है या फिर ये बाइक। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले यहाँ पे अनबॉक्स करेंगे हायाबुसा बाइक को। आप में से बहुत सारे लोगों को पता ही होगा ये जो अपनी हायाबुसा बाइक है इसके साथ हम लोगों को एक रिमोट कंट्रोल वाला हैंडल मिलता है और ये जो हैंडल है पूरी तरीके से ग्रेविटी सेंसर के साथ आती है। अगर आप हैंडल को लेफ्ट को टर्न करते हो तो बाइक लेफ्ट को टर्न होती है, हैंडल को राइट को टर्न करते हो तो बाइक जो है अपनी राइट को भी टर्न हो जाती है। इसका बायलिंक और ट्रॉन बाइक का बायलिंक आपको इस वीडियो पर टैप करने के बाद लेफ्ट साइड में एक बैग दिखाई देगा, उस बैग को क्लिक करोगे वहां पर आपको दोनों का बाइलिंक मिल जाएगा, दोनों ही बाइक्स को खरीद भी सकते हो। तो भाई अपनी ये जो हायाबुसा बाइक है देखो यार क्या दिख रही है। फिलहाल इसको अपन रखते हैं साइड में। ओ भाई ये आ गई अपनी हैंडल, देखो यहाँ पर है इसका रेस्ट देने का एक्सकलेटर और भी बहुत सारी चीजें मैं आपको बताता हूँ। इसकी बैटरी 700 mAh की बैटरी है और बैटरी को चार्ज करने का चार्जर है। तो भाई अपनी ट्रॉन रोवर बाइक को भी बॉक्स के अंदर से फटाफट से निकाल लेते हैं। दोस्तों आपने अभी तक इस वीडियो पर लाइक नहीं किया तो यार फटाफट से जल्दी से लाइक कर दो, चैनल पर नहीं हो तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब भी कर देना। तो भाई ये ऊपर वाला कवर मैं हटा देता हूँ। ये देखो ये रही अपनी रेड कलर की चमचमाती हुई ट्रॉन बाइक। एक बार इसके व्हील का साइज तो देखो यार, कितने ज्यादा बड़े बड़े व्हील्स इसके अंदर दिए गए हैं। इसको रखते हैं साइड में। ये रहा इसका 2.4 गीगाहर्ट्ज का रिमोट का चार्जर और ये रही इसकी बैटरी। इसकी बैटरी है 700 mAh 6 वोल्ट की। तो भाई यहाँ पर आपको क्लियरली दिख रहा होगा अपनी जो ट्रॉन बाइक है हायाबुसा बाइक के मुकाबले में बहुत ज्यादा लंबी है और बहुत ज्यादा मोटी और बल्कि भी है। देखो यार कितनी ज्यादा मोटी है अपनी बाइक और हाइट के मामले में भी अपनी ट्रॉन बाइक जो है इससे थोड़ी सी ज्यादा हाइट दी गई है। लुक्स के मामले में अपनी ट्रॉन बाइक जो है ना भाई साहब थोड़ी सी अगली दिखाई देती है क्योंकि ये एक फ्यूचरिस्टिक बाइक है। वहीं अपनी हायाबुसा बाइक देखो क्या जबरदस्त लुक के साथ आती है। सामने हेडलाइट इंडिकेटर पर इसके अंदर देखो सिर्फ एक हेडलाइट ही देखने को मिल। इसकी क्वालिटी एकदम ओपी है, काफी अच्छे प्लास्टिक से इसको बिल्ड किया गया है। देखो सामने वाला व्हील मैं जब टर्न कर रहा हूं तो पीछे वाला व्हील ऑटोमेटिक तरीके से टर्न हो जाता है। पर इसका बैटरी कंपार्टमेंट, दो सपोर्टिंग व्हील्स भी इसके अंदर देखने को मिलते हैं। इसके व्हील्स भी देखो तकरीबन 2 इंच चौड़े दिए गए हैं। हम इसको स्टार्ट कर सकते हैं, हॉर्न है, रिवर्स कर सकते हैं। यहाँ पे इसका एक्सेलेरेटर है और यहाँ पर इसके ब्रेक्स हैं। पूरी तरीके से ग्रेविटी सेंसर है इसके अंदर। 3 AA बैटरीज डालनी होती है। फिलहाल इसको मैं रख देता हूँ साइड में। और दोनों बाइक्स के अंदर काफी अच्छी साउंड आती है, जैसे रियल बाइक्स में आती है उसी तरह की साउंड दोनों के अंदर दी गई है। बिल्ड क्वालिटी एकदम ओपी है इसकी। यहाँ पर इसका हैंडल देखो कितने ज्यादा छोटे दिए गए हैं। ये सिंगल सीटर बाइक है भाई साहब। इस बाइक के अंदर बहुत ज्यादा लाइट्स वगैरह देखने को मिलती है। इसके अंदर लाइट आती है, पीछे वाले व्हील्स में भी लाइट आती है, सामने के हेडलाइट भी काफी अच्छे तरीके से काम करती है। इसके यहाँ पर है मेटल के बॉल्स दिए हुए ताकि ये जो बाइक है नीचे ना गिर जाए चलते वक्त। यहाँ पे इसका बैटरी कंपार्टमेंट, इस बाइक को टर्न करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है क्योंकि देखो यार पीछे वाला व्हील जो है इस तरह से टर्न होता है जब हम बाइक को टर्न वगैरह करते हैं। इसका व्हील जो है 2 अलग-अलग पार्ट्स में मिलता है, पूरी तरीके से रबर का व्हील है और तकरीबन 4 इंच चौड़ा व्हील दिया गया है। रिमोट 2.4 गीगाहर्ट्ज का रिमोट है। रिमोट की क्वालिटी काफी ज्यादा बढ़िया है, पीछे में डालनी होती है 2 AA बैटरीज। तो चलो दोस्तों अभी चलते हैं बाहर। गाइस मैं आ चुका हूं बाहर दोनों बाइक्स को काफी खतरनाक तरीके से टेस्ट करने के लिए। दोनों बाइक्स को यहां पर मैंने ऑन कर लिया है। आवाज तो सुनो गाइस, क्या ही गजब की आवाज आती है दोनों के अंदर से। तो सबसे पहले अपनी हायाबुसा को टेस्ट करते हैं। देखो एक्सकलेटर दे रहा हूं मैं यहाँ पे, हॉर्न भी बजा के बताता हूँ। देखो इस तरह से हॉर्न बजता है इसके अंदर। तो चलो अभी अपनी बाइक को यहाँ पर दौड़ाते हैं यार, थोड़ा सा टेस्ट वगैरह कर लेते हैं। इस बाइक को टर्न करना देखो यार थोड़ा सा दिक्कत लगता है मेरे को क्योंकि इसका टर्निंग रेडियस जो है बहुत ही ज्यादा है, पर बहुत ज्यादा मजा आता है यार। जैसे आप हैंडल टर्न करते हो ये बाइक उसी तरह से टर्न होती है। देखो इस तरह से रिवर्स वगैरह भी हम लोग ले सकते हैं और इस तरह से आगे पीछे कर सकते हैं, इस तरह से ब्रेक वगैरह भी मार सकते हैं। तो भाई थोड़ा सा और आगे चला के मैं आपको बताता हूँ। देखो ब्रेक लगाऊंगा यहाँ पर। ओ भाई काफी गजब तरीके से इसके अंदर ब्रेक्स भी लगते हैं। ट्रॉन बाइक को भी मैंने ऑन कर लिया है, तो चलो भी इसको दौड़ाते हैं रोड पर। ओ भाई काफी अच्छी तरीके से कंट्रोल हो रही है। देखो यार इसका टर्न करने का तरीका कुछ अलग ही है, एकदम से ड्रिफ्ट मार दी है, पीछे वाला व्हील जो है इस तरह से घूम जाता है इस बाइक के अंदर।
और इसके अंदर डेमो भी दिया गया है। जैसे आप डेमो का बटन दबाते हो, ये जो बाइक है ना यार, अपने आप ही चलने लगती है। देखो इसके अंदर म्यूजिक वगैरह भी बजने लगती है और काफी अच्छी तरीके से डांस वगैरह भी बता सकती है ये वाली बाइक। तो कराते हैं दोनों के बीच में रेस, देखते हैं दोनों में से कौन है सबसे ज्यादा फास्टेस्ट बाइक। तो भाई यहाँ पर मेरे को लग रहा है ट्रॉन बाइक बहुत ज्यादा फास्ट है, पर अपनी हायाबुसा बाइक देखो यार थोड़ा सा टेढ़े मेढ़े चलती है, इस वजह से इसकी स्पीड जो है ज्यादा बढ़ नहीं पाती है। तो यहाँ पे क्लियरली विनर है अपनी ट्रॉन बाइक। अभी कराते हैं दोनों बाइक्स के बीच में पुश बैक, देखते हैं ट्रॉन बाइक जीत पाती है या फिर हायाबुसा बाइक। चलो स्टार्ट करते हैं गाइस। ये देखो दोनों के बीच में टक्कर हो चुकी है यार, काफी धमाकेदार टक्कर थी। अपनी हायाबुसा बाइक का सामने वाला व्हील देखो गाइस किस तरह से घूम रहा है। इसका फ्रंट व्हील के अंदर ही मोटर दिया गया है, तो पूरी कोशिश कर रही है हायाबुसा बाइक, पर अपनी ट्रॉन बाइक बहुत ज्यादा पावरफुल है, पूरे तरीके से पीछे ढकेल चुकी है। तो भाई यहाँ पे कराते हैं एकदम असली वाला टेस्ट, थग ऑफ वॉर कराते हैं, देखते हैं दोनों में से कौन है सबसे ज्यादा पावरफुल। तो चलो स्टार्ट करते हैं गाइस। ये देखो भाई एकदम झटके से अपनी ट्रॉन बाइक ने इसको खींचा है, पर अपनी हायाबुसा बाइक भी कुछ कम नहीं है। देखो सामने वाले व्हील से पूरी कोशिश कर रही है और इसको काफी अच्छी तरीके से यहाँ पे ग्रिप भी मिल चुकी है, और भाई क्लियरली विनर है यहाँ पे अपनी हायाबुसा बाइक। तो भी टग ऑफ वॉर ऑफ रोड में करके देखते हैं यहाँ पर कौन जीत पाता है। तो भाई यहाँ पर देखो हायाबुसा को बिल्कुल भी ग्रिप नहीं मिल पा रही है रोड पर, और यहाँ पर क्लियरली इसको घसीट के लेके जा रही है अपनी ट्रॉन बाइक है यहाँ पर विनर। तो भाई दोनों के बीच में यहाँ पर टाई हो चुका है, दोनों ही विनर नहीं है यहाँ पर। अभी हायाबुसा बाइक के पीछे मैंने मॉडिफाइड रॉक क्रॉलर को बांध लिया है, आने वाले दिनों में इस रॉक क्रॉलर की वीडियो भी आने वाली है। तो देखते हैं अपनी हायाबुसा बाइक इसको खींच पाती है कि नहीं। तो भाई खींच तो रही है, पर देखो इसको बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है और बहुत ज्यादा जोर लगाना पड़ रहा है अपनी रॉक क्रॉलर को खींचने के लिए। तो सेम वाला टेस्ट अभी करते हैं अपनी ट्रॉन बाइक के साथ। पीछे मैंने बांध दी है मॉडिफाइड रॉक क्रॉलर, और भाई इतना इजी तरीके से इसको खींच रही है, आप खुद देख सकते हो बहुत ही फास्ट तरीके से भी ट्रॉन बाइक खींच के लेके जा रही है। बहुत इजी था इसके लिए ये वाला टेस्ट। तो यहाँ पे क्लियरली विनर है अपनी ट्रॉन बाइक। अपनी रोबोट ट्रॉन बाइक को एकदम रोड के ऊपर फुल स्पीड में मैं यहाँ पे आपको दौड़ा के बता रहा हूँ। देखो आप जब इसे रोड पर दौड़ाते हो तो इसकी स्पीड जो है तकरीबन 20 किलोमीटर पर आवर तक चले जाती है। वहीं दूसरी तरफ अपनी जो हायाबुसा बाइक है उतनी ज्यादा स्पीड से चल नहीं पाती है, ये टेढ़े मेढ़े चलने के कारण इसकी स्पीड जो है थोड़ी सी कम हो जाती है। इसकी टॉप स्पीड है 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर इस हायाबुसा बाइक को मैं ऑफ रोड में चलाने की कोशिश कर रहा हूँ तो देखो इसके व्हील्स बहुत ज्यादा स्किड कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ अपनी ट्रॉन बाइक जो है ऑफ रोड में भी मिट्टी में भी काफी अच्छी तरीके से दौड़ सकती है। ये दोनों ही बाइक जो है ऑफ रोड में क्लाइंब नहीं कर पाती है, क्योंकि दोनों की ही ग्राउंड क्लियरेंस बहुत ही ज्यादा कम है। दोनों बाइक्स को मैंने खतरनाक तरीके से आपको कंपेयर करके बता दिया है। आप मुझे नीचे कमेंट करके बताओ आपको ट्रॉन बाइक पसंद है या फिर हायाबुसा बाइक पसंद है, नीचे कमेंट करोगे इस फटाफट से अभी कभी। तो चलो अभी मैं दे देता हूँ शाउट आउट। सबसे पहला नाम आ जाता है अकबर खान, साई, शौकत अली, सोहम, कवनप्रीत, संदेश, मानस, रंजीत, रुम्पा मजुमदार, मौलिक। थैंक यू दोस्तों इतने अच्छे कमेंट्स करने के लिए। अगर दोस्तों आपको भी चाहिए शाउट आउट तो इस वीडियो पर कर दीजिए लाइक, नीचे कर दीजिए कमेंट, कमेंट करने के बाद आपका नाम भी जरूर से टाइप कर देना दोस्तों, ताकि मैं आपको ही शाउट आउट दे सकूं। नेक्स्ट वाली वीडियो में भी मैं 10 लोगों का नाम सेलेक्ट करूंगा जो भी आप अच्छे से कमेंट करेंगे और इस वीडियो पर लाइक करेंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं पर थी, एंड मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वाली वीडियो में और इसी तरह कुछ धमाकेदार आरसी बाइक फाइट के साथ। तब तक के लिए बाय दोस्तों।